Hey guys, welcome to Cashify presents Hello Hacks. It's a brand new episode. और इस episode में हम बात करेंगे एक और video calling app के बारे में. App का नाम है Zoom. Well, Zoom के बारे में आप बहुत कुछ सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से. कुछ अच्छा, कुछ बुरा और काफी सारे criticism के बाद भी लोग और companies इसे use कर रहे हैं. पर क्यों? कुछ तो कमाल है इस app में. इसीलिए आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Zoom के benefits क्या हैं. फिर Zoom call use कैसे करते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो कौन से नए security features हैं और क्या नया ऐड हुआ है जो आपको बचा सकता है हैकिंग से. ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें. लेट्स स्टार्ट विद बेनिफिट्स. Zoom कॉल में ऐसा क्या है जो और किसी पॉपुलर वीडियो कॉलिंग ऐप में नहीं है? वेल, मार्केट में अवेलेबल सभी वीडियो कॉलिंग ऐप्स में पार्टिसिपेंट्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. किसी में सिर्फ 4 लोग और किसी में 8, तो किसी में 12 लोगों से ज्यादा वीडियो ग्रुप कॉलिंग नहीं कर सकते. वहीं Zoom कम्स विद 100 पार्टिसिपेंट्स, मतलब एक बार में 100 पार्टिसिपेंट्स ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं अप टू 40 मिनट्स, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको 40 मिनट से ज्यादा यूज करना है या फिर 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा ऐड करने हैं, विच कैन गो अप टू 500 पार्टिसिपेंट्स, तो आपको लेना पड़ेगा इसका पेड वर्जन जो बहुत ही सस्ता है, लाइक $15, यानी कुछ 1100 रुपए इन इंडियन करेंसी, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, लाइक यू कैन रिकॉर्ड योर लाइव सेशन. और इन सब कमाल के फीचर्स की वजह से ये ऐप बन जाती है एक परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर स्मॉल और मिड साइज बिजनेस ओनर्स. ट्रेनिंग सेशंस, यहां तक कि योगा क्लासेस भी Zoom पर हो सकती हैं. लेट्स से एक योगा ट्रेनर है जो एक साथ 25, 30 या फिर उससे ज्यादा लोगों को एक साथ ट्रेन करना चाहती है थ्रू वीडियो कॉलिंग, तो Zoom comes as a savior. Well, अब जल्दी से जानते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे किया जाए. सबसे पहले आप इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें. इसके बाद आपको होम पेज पर नजर आएंगी 3 चीजें. ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप मतलब अपने आप को रजिस्टर करना, साइन इन मतलब लॉग इन करना. इसके बाद ज्वाइन इन मीटिंग, अगर आपको किसी ने इनवाइट करा हुआ है Zoom कॉल पे, तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर एक लिंक और आईडी मिलेगी, या फिर जिसने भी मीटिंग अरेंज करी है वो आपके साथ मीटिंग का डायरेक्ट लिंक शेयर करेगा विद द आईडी, उस पर क्लिक करना है. उसके बाद दिए गए आईडी से मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. कॉल के दौरान आपके पास ऑप्शन है अपने कैमरा या ऑडियो को ऑन ऑफ रखने का. वेल, अब देखते हैं अगर आपको कोई मीटिंग मतलब कॉल अरेंज करनी है तो क्या करना होगा. सबसे पहले साइन अप पे जाएं, मतलब अपने आप को रजिस्टर करेंगे. यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम. इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर. ईमेल आईडी पर आए लिंक से अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है. वेल, मीटिंग क्रिएट करने के 2 तरीके हैं. पहला, आप उन सभी लोगों का ईमेल आईडी डालेंगे जिन्हें आप इस ग्रुप वीडियो कॉल या सिंगल वीडियो कॉल पर इनवाइट करना चाहते हैं. दूसरा तरीका, आप एक मीटिंग क्रिएट करके उस मीटिंग का डायरेक्ट लिंक एंड आईडी उन सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप या टेक्स्ट के जरिए शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आपको ये वीडियो कॉल करनी है. वेल, अब आते हैं अहम मुद्दे पर कि Zoom मीटिंग को सेफ और सिक्योर कैसे बनाया जाए, हैकर्स से कैसे बचाया जाए. ये सारे फीचर्स आपको Zoom ऐप पर शेड्यूल अ मीटिंग करते टाइम या फिर अगर आप एक लाइव मीटिंग में हैं, तब आपको राइट बॉटम में मोर को क्लिक करना है. उसके बाद मैसेज सेटिंग्स में जाने पर आसानी से दिख जाएंगे. वेल, सबसे पहले यूज पासवर्ड्स फॉर एवरी न्यू मीटिंग. अगर आप कोई भी नई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं तो उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करें जिससे कि कोई भी अनवांटेड मेंबर मीटिंग का हिस्सा ना बने. दूसरा, नेवर शेयर द लिंक और मीटिंग आईडी ऑन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. कभी भी Zoom मीटिंग का लिंक या फिर मीटिंग आईडी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पर शेयर नहीं करनी चाहिए. थर्ड, यूज ऑफ वेटिंग रूम. आप वेटिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन से यूजर्स आपकी मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं और
फिर आप उन्हें मीटिंग ज्वाइन करने का एक्सेस दे सकते हैं। फोर्थ, बिवेयर ऑफ फ्रॉड ईमेल्स। किसी भी अननोन यूजर से आए जूम मीटिंग लिंक पे कनेक्ट ना करें, इससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है और डेटा लीक हो सकता है। फिफ्थ, डिसेबल ज्वाइन बिफोर द होस्ट फीचर। इस फीचर को हमेशा ऑफ करके रखना है जिससे कि कोई भी अननोन यूजर आपकी मीटिंग आपसे पहले ज्वाइन ना करे। सिक्स्थ, अलाउ स्क्रीन शेयरिंग बाय द होस्ट ओनली इन जूम मीटिंग्स। स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन होस्ट को सिर्फ अपने पास रखना चाहिए जब तक किसी और को अलाउ करना जरूरी फील ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी यूजर ने अगर कुछ ऐसा दिखा दिया मीटिंग में अपनी स्क्रीन शेयर करके जो उसे नहीं दिखाना चाहिए था, दैट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर यू। तो स्क्रीन शेयर का कंट्रोल अपने पास रखें मीटिंग अरेंज करते टाइम। सेवन, लॉक द जूम मीटिंग। जैसे ही इनवाइट किए गए सभी पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग ज्वाइन कर लें तो अपनी मीटिंग को लॉक कर लें जिससे कोई भी अनवांटेड इंसान उसे ज्वाइन ना कर पाए। एट, ऑलवेज एंड द मीटिंग। अगर आप किसी मीटिंग के एडमिन हैं तो मीटिंग छोड़ने से पहले मीटिंग एंड जरूर करें। वेल, आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी जूम ऐप को समझने में। एंड नाउ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट बिलो अगर कुछ कहना चाहते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।